लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तेरा एक एक लफ्ज समंदर हो और तेरी आवाज में वो आग हो, तेरी बात में वो दम हो और तेरे कलेजे में वो दर्द हो बेटा, और तेरी नजरों के अंदर वो शफकत और रहमत, वो लेवल हो लोगों के लिए कि सिर्फ कुछ घंटे नहीं कुछ मिनट लगे कौम को ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसे लोग बैठे हैं सिस्टम में जो कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन कौम का सांचा नीचे नहीं आने देंगे, वहां तक पहुंचने के लिए फॉर यू एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, एज अ डिजाइनर, एज अ शेफ, एज अ कुक, एज अ ह्यूमन बीइंग, सबसे मुश्किल सफर पहले तय करना होगा वो है मीटिंग द रियल यू, अपने आप से मिलना। हर बंदे में इतना दम और गुर्दा नहीं होता कि वो जंगे लड़के पहुंचे किसी जगह तक। तो आज अपने आप को अगर तुम तलाश नहीं करोगे, आज अगर तुम अपने अंदर के डीपर इनसाइट्स को वो बिल्ड नहीं करोगे तो लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड बेटा, लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर यू। इंसान गिर जाएगा उसमें से, और जब तू टूटेगा ना, तो अगर आज तूने अपनी परसेप्शनल एक्सरसाइजेस और मसल बिल्डिंग नहीं की, डिप्रेशन और सुसाइड के अलावा लाइफ में कुछ नहीं बचे, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी सख्त है। अल्लाह कहता है इन्ना का कादिहुन इला रब्बी का कदन फमुला की, अल्लाह सेज आई नो दिस लाइफ इज हार्ड, अल्लाह खुद कहता है मैं जानता हूं जिंदगी बड़ी सख्त है। इसके अंदर फिजिकल मसल से ज्यादा तुझे कलेजा चाहिए बेटा, परसेप्शन और जज्बात के बीच का कंट्रोलिंग ऑर्डर चाहिए, होप फियर एंगर लव हेट इनका बैलेंस चाहिए, इनकी मसल मेनिया, इसकी मसल मेनिया चाहिए आपको, और आपको उसूल चाहिए, जाब्ते चाहिए, कायदे चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए जिंदगी गुजारने। यू जस्ट कांट थ्रो लाइफ लाइक दैट, वरना मैं कह रहा हूं इन लड़कों से यहां पर, इन बच्चों से यहां पर, जिस दिन ये पैर हिलेंगे ना आप नहीं संभाल सकते, जब दोस्त साथ छोड़ेगा आपका, जब आपका आइडिया सेल नहीं होगा, जब आपको जॉब नहीं मिल रही होंगी, जब बीवियां आपका कहना नहीं मान रही होगी और हस्बैंड आपके जुल्म सितम कर रहे होंगे, जब खानदान और बरादरियां हमारी इस कंट्री के अंदर इंसान के पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होंगे, जब इंसान जानता होगा कि हक और सच क्या है लेकिन हिम्मत नहीं होगी आगे करने की, क्योंकि इतनी कौम को कैसे मुंह दे जाते।